एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सिकंदरा राव में स्थित लीहा आलमपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 16 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर है। लगभग 10,000 की आबादी व 3,000 वोटरों द्वारा राजपाल सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 582 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 382 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 111 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंपों को भी रिपोर्ट कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 326 विद्युत पोल, 13 विद्युत ट्रांसफार्मर व 40 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 7 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 125 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी की टंकी, बारात घर, शमशान घाट, कब्रिस्तान, स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। राजपाल सिंह, ग्राम लेहा आलमपुर, तहसील सिकंदरा राव, ब्लॉक सिकंदरा राव। मैंने अपने गांव में कार्य कराया है, 700 इंटरलॉक खंजे करा दिए और सब कुछ नालियाँ करवाई हैं और सूर्य लाइट लगाई है 40 प्रधानमंत्री आवास, 1 इंदिरा आवास के अतिरिक्त मैंने ये नालियाँ कराई हैं और कोई खंजे करवाए हैं। गुजारिश करता हूँ, हमारा गाँव 10,000 की आबादी वाला है, कमी है तो हमारे यहाँ एक टंकी लगवाई जाए। हमें एक बारात घर, शमशान घाट ये पक्का किया जाए, बनवाया जाए और पेंसिल बनवाई जाए। सरकार को कहना है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। गांव में कोई इंटर कॉलेज नहीं है, बेटियों को 4-5 किलोमीटर कैसे भेजें पढ़ने के लिए। गांव में एक इंटर कॉलेज